कार्यकारिणी की बैठक में मायावती एक बार फिर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं। इसके अलावा बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को दिल्ली हरियाणा समेत चुनावी राज्यों में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। आकाश आनंद चुनावी राज्यों में प्रचार की कमान संभालेंगे और संगठन को मजबूती देने की दिशा में काम करेंगे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को लेकर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया। अजय राय ने कंगना रनौत के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने किसानों को गाली दी, वो हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बातें करती रहती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो जो नशे की बात करती हैं, वो खुद नशे में रहती हैं। अयोध्या के महाराजगंज में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई, जिसके बाद एक बार फिर से यूपी में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। चंद्रशेखर ने कहा कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी के लिए अयोध्या की मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। यही वजह है कि खुद सीएम योगी ने इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है। ऐसे में बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि मिल्कीपुर में भाजपा पासी समुदाय के उम्मीदवार को ही मैदान में उतार सकती है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में दमखम के साथ चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी ने 3 और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि बसपा झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ उतरेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बसपा चीफ मायावती ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। संजय सिंह ने यूपीएस को दलित ओबीसी और पिछड़ा विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इससे भारी संख्या में आदिवासी, दलितों और पिछड़ों को पेंशन से वंचित करेगी। योगी सरकार लगातार पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को लेकर अलर्ट है। संभल में पुलिस ने 3 युवकों को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने का झांसा देकर रुपए ठगने और अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट कराने के नाम पर ठगी करने वाले अपनी जान पहचान वालों को झूठा झांसा देकर रुपए ठग कर फरार होने की कोशिश में थे। सीतापुर के बिस्वा क्षेत्र में शारदा सहायक नहर की पटरी कटने से आई जल तबाही का जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने प्रभावित गांव के लोगों का हालचाल जाना और योगी सरकार से हर संभव मदद और सहायता देने का आश्वासन दिया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर चल रहे विवादों के बीच उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी अनुराग त्रिपाठी का बयान सामने आया। उन्होंने यूपीएस पर विस्तार से जानकारी दी। अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि एनपीएस पेंशन स्कीम में ये फिक्स नहीं था कितनी पेंशन मिलेगी, लेकिन यूपीएस में ये फिक्स है कि कितनी पेंशन मिलेगी। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले को लेकर श्रावस्ती में लोगों ने भारी जन आक्रोश जाहिर किया। भारी संख्या में हिंदू रक्षा समिति ने जन आक्रोश यात्रा निकाली। यात्रा में शामिल लोगों ने मंदिरों पर हमले, हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पीएम के नाम डीएम को ज्ञापन भी सौंपा।